Hello friends, so let us continue with ratio analysis. Now we are just few lectures away from completing ratio analysis. Now in the ratio analysis we were discussing about profitability ratios. ठीक है जी, तो हम लोग बात कर रहे थे profitability ratios की. तो profitability ratios में क्या है कि सबसे ज़्यादा important ratios हैं. क्यों? क्योंकि किसी जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो सबसे ज़्यादा मतलब किस चीज़ से होता है? प्रॉफिट कमाने से. चाहे वो हम अपने व्यू पॉइंट से देखें या हम अपने किसी क्रेडिटर के व्यू पॉइंट से देखें, तो हर किसी को मतलब किस चीज़ से होता है? प्रॉफिट कमाने से, कि बिजनेस जो है वो प्रॉफिट कमा रहा है या नहीं कमा रहा. तो यही चीज़ हमें सबसे ज़्यादा देखने वाली होती है. ठीक है जी, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ की जब हम बात करते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया था. कौन कौन सा? ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न, एंड फ्रॉम द ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, तो अगर सेल की बात करें तो सेल की रेशियोज हम कर चुके हैं. कौन कौन सी थी? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो थी, नेट प्रॉफिट रेशियो थी, ठीक है जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो थी हमारे पास. तो सेल से रिलेटेड जितनी रेशियोज हैं वो हम लोग कर चुके हैं. ठीक है, अब रिटर्न से रिलेटेड थी, रिटर्न से रिलेटेड रेशियोज भी हम लोग कर चुके हैं सारी के सारी. क्लियर है? रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो सारा कुछ हम लोग कर चुके हैं. ठीक है, इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी वो थी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो ये हम लोग कर चुके हैं. क्लियर, अब हमारे पास क्या बचता है कि ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कौन कौन सी पढ़नी है. ठीक है, ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हम लोग, ये हमारा लास्ट सेगमेंट है. इसके बाद रेशियो एनालिसिस में नंबर ऑफ रेशियोज खत्म हो जाएंगी हमारे पास. ठीक है, नंबर ऑफ रेशियोज खत्म हो जाएंगी तो बचेगा क्या हमारे पास? सर, हमारे पास सिर्फ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बचेंगी जो हमने करनी है. ठीक है, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सारी, कुछ ना कुछ रेशियोज़ की कैलकुलेशंस करेंगे कि बैलेंस शीट से कैसे रीड करना है, पी एंड एल से कैसे रीड करना है. ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सिर्फ उसके प्रैक्टिकल पार्ट पे फोकस करेंगे. क्लियर, चलो जी, तो अब हम लोग क्या करते हैं? नाउ विल स्टार्ट विद प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज फ्रॉम ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू. क्लियर, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज फ्रॉम ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू. चलो जी, अब ये जो रेशियोज हैं, अब इसमें भी मल्टीपल रेशियोज हैं हमारे पास. ईपीएस है, डीपीएस है, डिविडेंड यील्ड है, डिविडेंड पे आउट है. ठीक है, इसमें भी हमारे पास कई तरह की रेशियोज हैं जो हमें स्टडी करनी है. अब वो रेशियो स्टडी करने से पहले थोड़ी सी इनकम स्टेटमेंट पे हम लोग दोबारा वापस आते हैं. हमने इनकम स्टेटमेंट पहले भी की थी, जब हमने जो लास्ट रेशियोज जो कवर किए हैं वहाँ पर भी हमने इनकम स्टेटमेंट कवर की थी. हम लोग इनकम स्टेटमेंट पर ही दोबारा से थोड़ा फोकस करते हैं क्योंकि यहाँ पर भी हमारा जो बेस होगा वो इनकम स्टेटमेंट ही होगी. इनकम स्टेटमेंट से ही हम लोग सारा कुछ डिराइव करेंगे मीनिंग इसका. ठीक है, तो क्या होता है इनकम स्टेटमेंट में? मेरे पास सेल्स हैं माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, राइट? तो मेरे पास क्या आता है? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म डेट. तो मेरे पास क्या आता है? ईबीटी माइनस टैक्स पे किया, टैक्स डिपार्टमेंट खड़ा है, उसको टैक्स पे कर दिया हमने, तो मेरे पास आया ईएटी. ठीक है, अब ये जो अर्निंग आफ्टर टैक्स है ये किसकी है? ये शेयर होल्डर्स की है. ये किसकी है? ये हमारे पास शेयर होल्डर्स की है. इसमें से हम लोग क्या पे करते हैं? इसमें से हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड पे करते हैं सबसे पहले. ठीक है, और ये जो अल्टीमेटली बचता है, दिस इज अर्निंग्स अवेलेबल फॉर, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी. ठीक है, कि ये जो अर्निंग्स हैं ये किसके लिए अवेलेबल हो गई? अब इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए. क्लियर,
ये अब हमारे पास नेट अर्निंग्स हैं, सारा कुछ पे करने के बाद, इंटरेस्ट पे कर दिया हमने, टैक्स पे कर दिया, और सब कुछ पे करने के बाद हमारे पास अल्टीमेटली ये अर्निंग्स हमारे हाथ में आई, हमारे पॉकेट में आई। अब जब ये अर्निंग्स आ गई तो बिजनेस क्या कहता है, अब बिजनेस के पास दो ऑप्शंस हैं इस अर्निंग्स को लेकर। क्या ऑप्शंस हैं सर? या तो इस अर्निंग को रिटेन किया जाए इन बिजनेस, रिटेन इन बिजनेस। क्यों? वो कहता है जी हमने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, तो हम इसको, ये जो पैसा है इसको हम फैक्ट्री में छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने वो पैसा फैक्ट्री में ही वापस लगाना है, हमने उसकी एक्सपेंशन करनी है, हमें नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो जो प्रॉफिट कमाया है हमने, अल्टीमेटली जो अर्निंग्स पॉकेट में आई है, उसको हम बिजनेस में छोड़ देते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूट अमंग शेयर होल्डर्स। दूसरी ऑप्शन क्या है कि जितनी अर्निंग हुई है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो शेयर होल्डर्स के बीच में। ठीक है, तो पहली ऑप्शन क्या है, या तो उसको बिजनेस में रिटेन कर दो, जो पैसा बचा है आपके पास पॉकेट में, या तो उसको अपने बिजनेस फैक्ट्री में ही ड्रॉअर में रख दो। ठीक है, दैट इज रिटेन इन बिजनेस फॉर द बिजनेस एक्सपेंशन, कि हमने बिजनेस में ही वो पैसा इन्वेस्ट करना है, बिजनेस को एक्सपैंड करना है, हमने बड़ा करना है बिजनेस को। दूसरा पैसा क्या है, वो कहते हैं कि बिजनेस तो ठीक चल ही रहा है, हमने और क्या करना है, जितना चल रहा है ठीक है, जितना पैसा एक्स्ट्रा बचा पॉकेट में उसको शेयर होल्डर्स के बीच में डिवाइड कर दो, क्योंकि शेयर होल्डर्स क्या है, शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो जितना पैसा बचा वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर दो वो पैसा। क्लियर? क्या करो, शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर दो। क्लियर? डिस्ट्रीब्यूट अमंग द शेयर होल्डर्स। अब जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको शेयर होल्डर्स में, तो उसको एक नाम दिया गया, क्या? इस डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, कि इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। ठीक है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है इट इज इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। क्लियर है? अब जो रेशोज है वो रेशोज इसी के ऊपर बेस है, कि हम लोग पैसा कितना बिजनेस में रिटेन कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एज डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स आफ्टर पेइंग ऑफ ऑल द थिंग्स। इंटरेस्ट पे ऑफ करने के बाद, टैक्स पे ऑफ करने के बाद, प्रेफरेंस डिविडेंड पे ऑफ करने के बाद, हमारे पास जो बचता है उसका हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब ये चीज हमारी अब आने वाली रेशियोज में यूज होने वाली है। क्लियर? चलो जी, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रेशियोज के साथ। तो हमारे पास इसमें पहली रेशियो क्या है, दैट इज अर्निंग्स पर शेयर, अर्निंग्स पर शेयर। अब अर्निंग्स क्या है, अर्निंग्स है कि जितना पैसा मेरे पास पॉकेट में बचा। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या समझने वाली चीज सर, इंपॉर्टेंट है ये चीज समझने वाली। अब यहां पर देखो, अब अर्निंग्स क्या होगी, अर्निंग तो ये भी है, अर्निंग तो ये भी है, ये तो रिटेन कर लिया, ये अर्निंग नहीं हुई। ठीक है ना, तो सर मेरे पास अर्निंग क्या चीज है, मेरे पास अगर मैं बोलता हूं अर्निंग्स पर शेयर, तो मेरे पास अर्निंग क्या है? सर अर्निंग तो ये भी है अवेलेबल फॉर, जो ये है ये भी अर्निंग है, ये है ये भी अर्निंग है, तो मुझे कौन सी अर्निंग लेनी है? दिस इज अर्निंग्स अवेलेबल। ठीक है, ये अवेलेबिलिटी नहीं है, ये तो उनके पास पहुंच गया पैसा। सबसे पहले हम लोग अर्निंग्स पर शेयर में क्या लेते हैं, अर्निंग्स अवेलेबल, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर, सॉरी फॉर शेयर होल्डर्स। क्लियर? कि शेयर होल्डर्स के पास अर्निंग्स क्या अवेलेबल है। अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हमने, अभी डिसीजन नहीं लिया कि उन अर्निंग्स को हमने क्या करना है, कि उन अर्निंग्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है या उन अर्निंग्स को हमने बिजनेस में रिटेन करना है, हमने वो डिसीजन नहीं लिया। ठीक है, क्लियर है? अब अर्निंग्स पर शेयर क्या हुआ, कितनी अर्निंग्स थी, अगर ईपीएस की बात करें, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में ईपीएस, राइट? तो ईपीएस क्या है, वो कहता है कि ईपीएस इज इक्वल टू अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। यहां पर फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स है। क्लियर?
क्लियर। तो यहाँ क्या हुआ, वो कहता है यहाँ तक हमने निकाल लिया कि अर्निंग्स अवेलेबल कितनी थी, ठीक है। अब किसके लिए अवेलेबल थी, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। तो मैंने कहा कि अगर मेरे पास 1000 शेयर हैं तो एक शेयर के पीछे मेरी अर्निंग कितनी है, ठीक है। अर्निंग्स पर शेयर का मतलब क्या है, इफ़ आई एम अ होल्डर ऑफ 1000 शेयर्स तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि मेरे पास एक शेयर के लिए अर्निंग कितनी है। सपोज जो अर्निंग्स अवेलेबल थी वो थी 1 लाख की, ठीक है, और जो शेयर्स थे नंबर ऑफ शेयर्स थे 100। तो मतलब एक शेयर के लिए, 1 शेयर के लिए कितनी अर्निंग हुई, रुपीज़ 1000, 100 शेयर्स के लिए 1 लाख रुपीज़, ठीक है जी, क्लियर है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक शेयर के लिए, अगर हम लोग एक शेयर होल्ड करते हैं उस कंपनी का, तो एक शेयर के लिए हमें कितना प्रॉफिट में से शेयर मिलता है, कितनी अर्निंग है हमारी, कितनी अर्निंग अवेलेबल है। अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई, अभी डिसीजन ये नहीं हुआ कि हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी या नहीं कर दी, सिर्फ अवेलेबल, राइट। सो द वर्ड दैट इज इंपॉर्टेंट हेयर इज, जो यहाँ पर वर्ड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दैट इज दिस अवेलेबल वर्ड, अर्निंग्स अवेलेबल, क्लियर। तो इसीलिए हमने क्या लिया, ईएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड की अर्निंग्स जो अवेलेबल हैं फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करें चाहे हम उसको बिजनेस में रिटेन करें, वो उसके बाद का डिसीजन है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कितनी अर्निंग्स अवेलेबल हैं, क्लियर है जी। So this is about the EPS. कोई डाउट? चलो जी आगे बढ़े। अब EPS क्या होनी चाहिए, जितनी ज्यादा होगी उतनी अच्छा है, जितनी ज्यादा अर्निंग होगी, ठीक है। सॉरी यहां पर EPS लिखना था, EBT नहीं लिखना था, EPS, ठीक है। हायर द रेशो बेटर इट इज, क्लियर, ठीक है जी। चलो अब हमारे पास नेक्स्ट जो सेकेंड रेशो है दैट इज डिविडेंड पर शेयर, दैट इज DPS, क्लियर। DPS में क्या है, अब डिविडेंड क्या है, डिविडेंड इज अगेन एन अर्निंग, लेकिन ये है कि जो अर्निंग हमें मिल चुकी है, अर्निंग आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने इसीलिए सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट कराई ताकि आपको अर्निंग अवेलेबल और डिविडेंड में मीनिंग समझ में आए, ठीक है। तो ये डिविडेंड है जो हमें मिल चुका है सर, अल्टीमेटली हमारे हाथ में आ चुका है। सबसे पहले क्या था, कंपनी के हाथ में था, अवेलेबल थे, दैट इज EPS, अर्निंग्स पर शेयर। डिविडेंड क्या है, डिविडेंड वो चीज है जो अल्टीमेटली एक शेयर होल्डर की पॉकेट में चला गया, क्लियर। चलो यहां पर आ जाते हैं, यहाँ पे मेरे पास ये कंपनी की पॉकेट है, ठीक है, इसमें बहुत सारा पैसा पड़ा है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास शेयर होल्डर्स हैं, क्लियर। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे क्या है, शेयर होल्डर्स हैं। अब ये जो पैसा पड़ा है दिस इज अर्निंग्स, यहां से हम लोग निकालते हैं EPS। जब ये अर्निंग हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी ये 4 शेयर होल्डर्स के बीच में, तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, तो इसको हम बोलते हैं DPS, कि पर शेयर कितनी आपको अर्निंग हुई, कितना आपको डिविडेंड मिला। सो देयरफॉर DPS इज इक्वल टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एज इक्विटी डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, कि एक शेयर के लिए आपको अर्निंग कितनी थी, राइट।
This indicates the dividend earned per share held. ठीक है, अगर आपके पास एक शेयर है तो उस एक शेयर के लिए आपको कितनी अर्निंग हुई है. क्लियर? हायर द रेशियो बेटर इट इज. जितनी हाई होगी उतना ज्यादा डिविडेंड मिला ऑब्वियसली. हायर द रेशियो बेटर इट इज. हाँ जी, क्लियर है? इसमें कोई डाउट? ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. सो दिस इज अबाउट द डिविडेंड. तो इसीलिए मैंने इनकम स्टेटमेंट कराई थी. क्यों करवाई थी? क्योंकि आपको यह पता होना चाहिए कि अर्निंग्स और डिविडेंड में क्या डिफरेंस है, तभी आपको ईपीएस और डीपीएस में फर्क आएगा समझ में. ठीक है, अर्निंग्स एक बड़े लेवल पे है कि कितनी अर्निंग्स टोटल अवेलेबल है. जैसे मैंने कहा ये एक पॉकेट है, इसमें सारी के सारी अर्निंग्स अवेलेबल है. जब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग लोगों के बीच में, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यहां पर, तो ये इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड हो गई. ठीक है, दैट इज फिर हमारी रेशियो क्या बनती है? डिविडेंड पर शेयर. क्लियर है? नाउ कमिंग टू द थर्ड वन. तीसरी है मेरे पास डिविडेंड पे आउट रेशियो. डिविडेंड पे आउट रेशियो. डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या कहती है? वो कहती है कि अगर मेरे पास यहां पर ये क्या थी, ये थी अर्निंग्स अवेलेबल. ठीक है, मैं कहता हूं यहां पर मेरे शेयर होल्डर्स हैं, मैंने इसमें डिवाइड कर दिया, सब कुछ डिवाइड कर दिया, इसके बाद भी मेरे पास कुछ पैसा बचा, वो मैंने क्या कर लिया, ये मैंने रिटेन कर लिया. ये क्या है? डिविडेंड है, डीपीएस है. अर्निंग्स अवेलेबल क्या है मेरे पास? ईपीएस है. तो कहता मुझे ये बताओ कि ये जो अर्निंग्स अवेलेबल थी, इस अर्निंग्स में से कितना पैसा आपने एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बिटवीन द इक्विटी शेयर होल्डर्स. ये रेशो क्या बताती है हमें? कि जो हमारे पास टोटल अर्निंग्स अवेलेबल थी फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स, उसमें से कितना पैसा आपने डिविडेंड एज डिविडेंड यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द इक्विटी शेयर होल्डर्स. अगर मेरे पास यहाँ पर 100 रुपये थे, मैंने 80 रुपीज़ एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 20 रुपीज़ रिटेन कर दिए, तो ये रेशो क्या बताती है? कि मैंने 100 में से 80 रुपीज़ आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड. तो इसको बोलते हैं डिविडेंड पे आउट रेशो. तो इसका मतलब समझ में आ गया आपको कि जब डिविडेंड पे आउट रेशो की बात करेंगे तो रिलेशनशिप इज बिटवीन डीपीएस एंड द ईपीएस, कि कितना पैसा एज डिविडेंड आपने ईपीएस में से डिस्ट्रीब्यूट किया है. डिविडेंड पे आउट रेशो कि आउट ऑफ ईपीएस, ईपीएस में से आपने डिविडेंड कितना दिया. क्लियर? ठीक है जी. तो क्लियर है रेशो? क्लियर है कि आपने जितना पैसा कमाया था, जितनी अर्निंग्स आपको अवेलेबल थी, ठीक है, जिसको हम लोग ईपीएस बोलते हैं, अर्निंग्स पर शेयर, उसमें से आपने डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डीपीएस निकाला, अर्निंग्स अवेलेबल के लिए ईपीएस निकाला, दोनों का रिलेशनशिप बनाया, तो क्या बना मेरे पास? डिविडेंड पे आउट रेशो. ठीक है, क्लियर है? चलो जी, नेक्स्ट आते हैं. बहुत ईजी है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं है समझ में आनी. सिर्फ अगर ये इनकम स्टेटमेंट समझ में आ गई तो फिर इजी है कि हम कैसे पैसा रिटेन कर रहे हैं या हम कुछ पार्ट उसका एज डिविडेंड डिवाइड कर रहे हैं. नाउ नेक्स्ट मेरे पास आती है प्राइस अर्निंग रेशियो. सर अब ये प्राइस अर्निंग रेशो क्या है? ये रेशो थोड़ा सा ध्यान से समझना. ये मेरे पास एक मार्केट है, शेयर मार्केट. ठीक है,
दिस इज़ शेयर मार्केट, जहाँ से मैं शेयर परचेज करता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, दिस इज़ अ शेयर मार्केट, क्लियर है। ये मेरी पॉकेट है, दिस इज माय पॉकेट, ठीक है जी। इस पॉकेट में मेरे पास 100 रुपये हैं, क्लियर। मैंने क्या किया, ये 100 रुपये इस मार्केट में मैंने इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है, किसी कंपनी में, एक कंपनी थी मार्केट में, मैंने वो 100 रुपये उस मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए। एक कंपनी थी, कौन सी, इस मार्केट में एक कंपनी थी, कंपनी ए, मैंने इस कंपनी में ये 100 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। ये 100 रुपये क्या हुआ, मेरी पॉकेट से चले जाए, चले गए। ये जो 100 रुपये थे, ये मेरी पॉकेट से चले गए, कहाँ चले गए, शेयर मार्केट में। किसको चले गए, कंपनी ए को चले गए, क्लियर। अब क्या होगा, अब ये 100 रुपये मेरे पास वापस कैसे आ सकते हैं। अब जब 100 रुपये हो गए, मैंने क्या किया, इन्वेस्ट कैसे किए, इन्वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी। मैं इनका इक्विटी शेयर होल्डर हूँ, मैं इनका ओनर बन गया एक तरह से। अब मेरे को ये 100 रुपये वापस कैसे आ सकता है मेरे पास, ये 100 रुपये, आप ये बताओ, सिंपल सी बात, ये 100 रुपये जो है ये वापस कैसे आएगा। सर वापस तभी आएगा ये 100 रुपये अगर कंपनी ए कुछ पैसा अर्न करेगी, कुछ प्रॉफिट्स अर्न करेगी, और जब उसको एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ठीक है। अगर कंपनी कुछ अर्न करेगी, मैंने कहा आज कंपनी ए ने अर्निंग की, उसने 10 रुपये मुझे दे दिए, उसने फिर अर्निंग की, फिर 10 रुपये दे दिए, उसने फिर अर्निंग की, उसने 10 रुपये हैं, फिर अर्निंग कर रहा है 10 रुपये हैं, फिर अर्निंग कर रहा है 10 रुपये हैं, ठीक है। तो ये 10-10 करके ये 100 रुपये मेरा 10 साल में रिकवर हो जाएगा। 10 ईयर्स में आई विल रिकवर दिस 100 रुपीज, ठीक है। तो प्राइस अर्निंग रेशियो क्या बताती है कि अगर 100 रुपये उसकी क्या थी, 100 रुपये प्राइस थी, तो उस प्राइस के कंपैरिजन में आपको अर्निंग्स कैसे कैसे हो रही हैं, कि उस प्राइस को आप अर्निंग से रिकवर कैसे करोगे, राइट। हाउ विल यू रिकवर योर इनिशियल प्राइस इन्वेस्टेड या मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर दैट यू आर होल्डिंग, हाउ मच अर्निंग्स आर देयर इन रिस्पेक्ट टू दैट, एंड हाउ यू आर गोइंग टू रिकवर दैट मार्केट प्राइस। अगर 100 रुपया लगाया है आपने किसी बिजनेस में, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि उस बिजनेस से मेरे को अर्निंग होगी, और जो 100 रुपया है वो 100 रुपये से ज़्यादा ही मुझे आएगा कुछ, ठीक है। तो प्राइस अर्निंग रेशियो क्या बताती है हमें, प्राइस अर्निंग रेशियो, तो प्राइस अर्निंग रेशियो हमें बताती है मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर डिवाइडेड बाय ईपीएस। क्या है, मार्केट प्राइस है इसका 100 रुपये, ईपीएस अर्निंग्स पर शेयर है उसकी 10 रुपये। इसका मतलब है कि 10 साल में मैं वो पैसा रिकवर कर लूंगा, राइट। तो ये रेशियो क्या है, दिस रेशियो इज द पे बैक रेशियो, इट शोज द पे बैक पीरियड फॉर, सॉरी, पे बैक पीरियड फॉर योर इन्वेस्टमेंट, पे बैक पीरियड फॉर योर इन्वेस्टमेंट, क्लियर है। तो ये रेशियो इस तरह से समझनी चाहिए कि 100 रुपये लगाया और जो बिजनेस था वो बिजनेस में कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा अवेलेबल है फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। 10 रुपये, 100 रुपये लगाया था, हर साल 10 रुपये अवेलेबल हैं, तो इसका मतलब है कि 10 साल में वो अब 100 रुपये अपना रिकवर कर लोगे, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है हमें, हमें ईपीएस ज़्यादा होनी चाहिए सर, ईपीएस अच्छी होगी तो इसका मतलब है कि हम उतनी जल्दी अपना पैसा जो है वो रिकवर कर लेंगे, क्लियर। ऑब्वियसली जो 100 रुपये लगाया तो एक्सपेक्टेशन क्या है कि वो 100 रुपये से हम कुछ अर्न करें, 100 रुपये रिकवर करने के बाद कुछ अर्न करें ना, क्लियर, ठीक है। सो दिस इज द प्राइस अर्निंग रेशियो, दैट कि मार्केट प्राइस ऑफ शेयर क्या थी, 100 रुपीज थी। आप ये फिगर याद रख लेना, इसकी आप ये फिगर याद कर लो,
ठीक है, याद, इसमें याद भी क्या करना है, समझने वाली बात है कि पॉकेट में 100 रुपये या 100 रुपये आपने शेयर मार्केट में दे दिया, वहाँ पे कंपनी ए थी उसमें इन्वेस्ट कर दिया एज इक्विटी शेयर होल्डर, तो उस कंपनी से मुझे इस साल 10 रुपये आगे एज EPS, 10 रुपीज अवेलेबल एज EPS, ठीक है। तो EPS की फॉर्म में जब अवेलेबल है तो मतलब अगर मैं मान के चलता हूँ कि कंपनी कंसिस्टेंट रहेगी तो 10 साल में मेरा वो पैसा रिकवर हो जाएगा, जो मार्केट प्राइस है मेरे शेयर की वो मुझे 10 साल में रिकवर हो जाएगा वो पैसा, क्लियर, ठीक है जी। अब नेक्स्ट पॉइंट, जो नेक्स्ट हमारे पास अब रेशियो आती है, फिफ्थ रेशियो है अर्निंग यील्ड या इसको हम कहते हैं डिविडेंड यील्ड। मतलब दो तरह से ये रेशियो कैलकुलेट की जा सकती है, अर्निंग यील्ड भी है और डिविडेंड यील्ड भी है, ठीक है। अब ये रेशियो क्या है, दिस इज अगेन अ रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट प्राइस, ये रेशियो क्या है, इट इज अगेन अ रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट प्राइस, राइट, EPS एंड DPS, EPS और DPS, EPS और DPS। वो क्या कहता है, कहता अगर एक शेयर की वैल्यू, अगर एक शेयर की जो मार्केट प्राइस थी 100 रुपये, ठीक है, और उस शेयर के पीछे आपकी जो अर्निंग्स अवेलेबल थी 5 रुपये थी, तो आपने इस 100 में से कितना कमाया, हमने कहा 5 रुपये कमाया सिर्फ, हमने कितने परसेंट कमाया, 5% कमाया सिर्फ हमने, ठीक है। यील्ड क्या है, यील्ड इज अर्निंग, यील्ड है जो आपकी पॉकेट में पैसा आ रहा है। आप कहते हो कि अगर 100 रुपये मार्केट प्राइस थी तो उसमें से कितना एज अर्निंग्स अवेलेबल था, मैं कहता हूँ 10 रुपये एज अर्निंग्स अवेलेबल था, ठीक है। तो मेरे पास अर्निंग यील्ड क्या हुई, अर्निंग यील्ड इज EPS डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, कि अगर मार्केट प्राइस 100 रुपये है और उसमें से 10 रुपये EPS आता है तो इसका मतलब है 10% मेरी यील्ड है, 10% मेरी इनकम होगी, 10% मेरे पास पॉकेट में आएगा। यील्ड इज व्हाट, यील्ड इज अर्निंग, यील्ड इज इनकम, ठीक है। तो मैंने कहा उस मार्केट प्राइस के रिलेशन में मेरी इनकम कितनी है, कितनी अवेलेबल होगी, दैट इज द अर्निंग यील्ड, ठीक है। हमेशा ये जो अर्निंग्स है दिस इज रिलेटेड टू अवेलेबिलिटी, तो कितनी मेरे पास अवेलेबल होगी। अब जब बात करते हैं हम लोग डिविडेंड यील्ड की, डिविडेंड यील्ड कहता है कि कितना मेरी पॉकेट में अल्टीमेटली आएगा, दिस इज अगेन रिलेटेड टू मार्केट प्राइस, कि मार्केट प्राइस के रिलेशन में कितना मेरे पॉकेट में आएगा, दैट इज रिफ्लेक्टेड बाय DPS। मैंने कहा यहां पर एक शेयर के पीछे जो मुझे डिविडेंड मिलता है दैट इज 5 रुपीज, क्लियर। तो इसका मतलब है 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, अवेलेबल कितना था 10%, मिला कितना 5%, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अर्निंग यील्ड एंड द डिविडेंड यील्ड, क्लियर है, ठीक है जी। अर्निंग यील्ड या डिविडेंड यील्ड रेशियो क्या है, दो ये अब कंफ्यूज मत करना इस रेशियो के साथ। प्राइस अर्निंग रेशियो ये बोलती है कि जितना मैंने इन्वेस्ट किया था वो पैसा मैं कितने साल में रिकवर कर लूँगा, और ये बोलती है कि एक साल में मैंने उस जो मार्केट प्राइस है उसके रिलेशन में कितना पैसा अर्न किया, कितना अवेलेबल था, कितना एज डिविडेंड मुझे कंपनी ने दिया है, दिस इज द यील्ड विच इज द इनकम, यील्ड मीन्स इनकम। क्लियर है, चलो जी आगे बढ़े। नेक्स्ट, ये थी हमारे पास फिफ्थ, अब आ गई सिक्स्थ रेशियो। सिक्स्थ रेशियो है मेरे पास मार्केट रिस्पॉन्स रेशियो। मार्केट रिस्पॉन्स रेशियो, या हम इसको क्या बोलते हैं, मार्केट वैल्यू
hyphen book value ratio. ठीक है जी, चलो अब ये रेशो क्या है मेरे पास, मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू रेशो. अब मेरे पास ये एक शेयर है, ठीक है. अब इस शेयर की दो वैल्यूज होंगी, कौन कौन सी? एक तो होगी मार्केट में वैल्यू. मार्केट वैल्यू से क्या मतलब है कि अगर मैं आज इस शेयर को ले जाके शेयर मार्केट में बेचना चाहूं तो उसकी वैल्यू क्या होगी. तो ये मैं कहता हूं कि 100 रुपए है. वॉट इज मार्केट वैल्यू? मार्केट वैल्यू इज द वैल्यू दैट आई विल फेच इफ आई गो टू द शेयर मार्केट एंड सेल दिस शेयर. अगर मैं इस शेयर को आज बेचना चाहूं या खरीदना चाहूं, ठीक है, तो उसकी मार्केट में वैल्यू क्या है. दूसरी वैल्यू कौन सी होगी? दूसरी वैल्यू होगी बुक वैल्यू. बुक वैल्यू क्या होगी? जो मैंने अपनी अकाउंटिंग बुक्स में वैल्यू दिखा रखी है उस शेयर की, राइट. जरूरी नहीं कि मैं मार्केट वैल्यू पे ही वैल्यूएशन करूंगा शेयर की, मैं बुक वैल्यू के हिसाब से चलूंगा, ठीक है. तो बुक्स में हो सकता है वैल्यू कुछ और हो और मार्केट में कुछ और हो. सर फर्क कैसे होगा? मैंने शेयर खरीदा 100 रुपए का, ठीक है, मैंने बुक्स में 100 रुपए का दिखा दिया, मार्केट में वो शेयर हो गया 110 रुपए का, ठीक है, समझ रहे हो. तो मेरी बुक्स में तो 100 रुपए है ना, मार्केट में क्या हो गया? 110 हो गया. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू एंड द बुक वैल्यू. जो मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू रेशियो है वो इसी चीज का रिलेशनशिप समझाने की कोशिश कर रही है. वो क्या कहते हैं, अगर हम मार्केट रिस्पॉन्स रेशियो देखें तो वो कहता है मार्केट वैल्यू पर शेयर, मार्केट वैल्यू पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर. ठीक है जी, मार्केट वैल्यू पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर. ठीक है, वो क्या कहता है कि अगर मार्केट में वैल्यू थी 100 रुपए और बुक्स में थी 90 रुपए, तो मेरी मार्केट रिस्पॉन्स रेशियो कितना है. सर अब बेनिफिट किस में होगा? मार्केट वैल्यू ज्यादा होगी तो बेनिफिट होगा या बुक वैल्यू ज्यादा होगी? सर ऑब्वियसली जब मार्केट वैल्यू इंक्रीज होगी तो बेनिफिट होगा ही होगा, क्योंकि कल को मैं वो शेयर जाके मार्केट में जब सेल करूंगा मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे, मुझे 110 रुपए मिलेंगे, जबकि मेरी बुक्स में तो 100 रुपए थे. तो वो 10 रुपए क्या है? 10 रुपए इज योर कैपिटल गेन. आप लोग इनकम टैक्स में पढ़ोगे कैपिटल गेन, कि कैपिटल गेन पे इनकम टैक्स इंडेक्सेशन कैसे होती है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, कि कितने मंथ्स के लिए हम लोग उस शेयर को होल्ड करते हैं, उसके बेसिस पे लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है वो डिसाइड होता है. ठीक है, कुछ लोगों ने इनकम टैक्स पढ़ रखा होगा वो इस चीज को समझ जाएंगे कि अगर आपने, बड़ा सिंपल सा फंडा सर, आपने शेयर बाय किया, शेयर बाय किया कितने का? ₹100 का. ठीक है, जब आप शेयर सेल करने गए मार्केट में तो इस शेयर की जो वैल्यू थी दैट वाज 110. तो ये 10 रुपए जो आया, 10 रुपए इज योर कैपिटल गेन. ठीक है, हम यहां पर इनकम टैक्स की बात नहीं करेंगे, तो मैं उसके टैक्सेशन प्रोविजंस नहीं समझा रहा कि कैपिटल गेन है. मैं, मेरा मतलब क्या है कि अगर मार्केट प्राइस ज्यादा होगी तो हमें फायदा होगा. तो इस रेशियो से यह पता चलता है कि बुक वैल्यू के कंपैरिजन में मार्केट प्राइस कितनी ज्यादा या कितनी कम है. हायर द रेशियो बेटर इट इज. हायर कब होगी? जब मार्केट वैल्यू ज्यादा होगी. तो मार्केट वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए शेयर की, तभी शेयर होल्डर्स को बेनिफिट है. हायर द रेशियो, हायर द रेशियो बेटर इट इज, राइट. क्योंकि मार्केट वैल्यू जब ज्यादा होगी तो मार्केट से हमें अच्छा पैसा मिलेगा, हमें ये कैपिटल गेन होगा यहाँ पर 10 रुपए का. ठीक है, इसमें से कुछ पार्ट इनकम टैक्स वाले भी ले जाएंगे. जब आप गेन, इनकम टैक्स की निगाह तो हमेशा आपकी पॉकेट पे लगी हुई है अच्छे से. सर पॉकेट में आया नहीं पैसा कोई, और इनकम टैक्स वाले पहले आपके पास पहुंच जाएंगे, लाओ भी लाओ टैक्स लाओ पहले. तो ठीक है, तो कैपिटल गेन की डिटेल्ड प्रोविजंस आप लोग इनकम टैक्स में रीड करोगे, उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और कैसे उसका ट्रीटमेंट होता, सारा कुछ वहां पर आप लोग इनकम टैक्स में पढ़ोगे. ठीक है,
तो मैं इनकम टैक्स नहीं बढ़ा रहा, ठीक है, मैं इनकम टैक्स ना आगे आने वाले टाइम में भी शायद मैं इनकम टैक्स नहीं बढ़ाऊंगा। मेरे पास इनफैक्ट बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है कि सर अकाउंट्स पढ़ा दो, सर ऑडिट पढ़ा दो, सर टैक्स पढ़ा दो। तो एज ऑफ नाउ आई हैव नो प्लान्स कि और कोई सब्जेक्ट में पढ़ा पाऊँ। कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में कमिट किया था, वो मैं कंप्लीट डेफिनेटली करूंगा, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे लगेगा कि हाँ मैं कोई और सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा सकता हूँ तो मैं डेफिनेटली आई विल गो फॉर दैट, राइट। लेकिन अभी मैं किसी तरह की कोई कमिटमेंट नहीं करता कि मैं और कोई सब्जेक्ट आपको पढ़ा पाऊंगा, राइट। क्योंकि पढ़ाने का फायदा तब है जब मैं कॉन्फिडेंट हूं कि येस आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड इन डेप्थ दैट टॉपिक और द सिलेबस, होल सिलेबस, ठीक है। जब मुझे कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ वो पूरा डिटेल में, मैं तभी पढ़ाऊंगा, क्लियर। तो चलो वापस आते हैं मार्केट रिस्पांस रेशियो पे। समझ आ गया कि मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में कैसे फर्क होता है और उसका बेनिफिट क्या होता है कि मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगी तो कैपिटल गेन होगा, तो इसलिए रेशियो स्टडी की जाती है। तो अगर किसी कंपनी की ये रेशियो क्या इंपॉर्टेंस क्या देती है, ये रेशियो अगर किसी कंपनी की मार्केट में वैल्यू ज़्यादा है और बुक वैल्यू चाहे कम है तो इसका मतलब है कि कंपनी मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रही है, राइट। दिस शोज अ गुड हेल्थ ऑफ द बिजनेस की ओवरऑल उसकी शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है मार्केट में। बुक्स में क्या वैल्यू है, ठीक है, कोई बात नहीं, जब खरीदे था तब की बुक वैल्यू चल रही होगी, लेकिन मार्केट में अगर वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब है कि कंपनी इज परफॉर्मिंग गुड, ठीक है जी। अब सेवेंथ, सर ये तो खत्म ही नहीं होने को आ रही, लास्ट है, ठीक है, लास्ट हमारे पास एक आती है क्यू रेशियो। अब ये बड़ी अलग सी रेशियो है सर, क्यू रेशियो। क्यू रेशियो में क्या है हमारे पास, क्यू रेशियो हमें कहती है कि सपोज हमारे पास एक एसेट है, ठीक है, 5 लाख का मेरे पास एसेट है, क्लियर। मैं इस एसेट को रिप्लेस करना चाहता हूं, मैं इस एसेट को रिप्लेस करना चाहता हूं, ठीक है। मेरी इस एसेट को रिप्लेस करने की जो कॉस्ट आएगी, मेरी जो इस एसेट को रिप्लेस करने की, अगर रिप्लेस करना है तो इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी आएगी सर। रिप्लेसमेंट कॉस्ट कैसे, एक मशीनरी है जो मशीन में, जो जमीन में लगी हुई है, उसको अगर उसको रिप्लेस करना है तो उसको उखाड़ना पड़ेगा मशीन जमीन से, राइट। दिस दैट मशीन विल हैव टू बी टोटली डिसमेंटल्ड एंड रिमूव्ड फ्रॉम द अर्थ, तो उसकी कॉस्ट होएगी ना, ठीक है। मैं 4 लोगों को बुलाऊंगा, भैया इस मशीन को डिसमेंटल करो, इसको नीचे से निकालो जमीन में से इस मशीन को, फिर क्या कॉस्ट हो सकती है कि जो बायर है वो कहता है कि जी आपकी ड्यूटी है कि आप मशीन को अपने गोडाउन से मेरी फैक्ट्री में पहुंचाओगे। हमने कहा चलो वो भी कर देंगे जी, हमने तो निकालनी है मशीन किसी तरह से। तो जब उस मशीन की मूवमेंट करोगे, उसका किराया पे करोगे, उसका फ्रेट पे करोगे, तो दिस ऑल कॉन्स्टिट्यूट्स द रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या आई, इसकी 2 लाख की रिप्लेसमेंट कॉस्ट है जी। मैंने कहा चलो 2 लाख रुपए खर्चा कर देंगे, ठीक है। अब जब इस एसेट को मैं मार्केट में सेल करने गया, इसकी जो मार्केट वैल्यू थी, मैंने जब मार्केट में वैल्यू लगवाई, इस एसेट की मार्केट वैल्यू थी 1.5 लाख रुपए। अब बताओ मुझे रिप्लेस करने का क्या फायदा इसका, ठीक है, मुझे रिप्लेस करने का क्या फायदा है, मार्केट वैल्यू है 1.5 लाख, मुझे आएगा 1.5 लाख, उसके ऊपर खर्चा कर दूंगा 2 लाख का, तो 50,000 तो मैं अपनी पॉकेट से दे रहा हूं सर, समझ रहे हो। एक एसेट था, मैं अगर उसको मार्केट में बेचने जाता हूं तो 1.5 लाख रुपए लगेगा, और उसकी जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, उस एसेट को रिप्लेस करने की कॉस्ट, दैट विल बी 2 लाख रुपीज, तो क्या मुझे वो बेनिफिट है, नहीं सर। तो ये रेशियो यही बताती है हमें, जो क्यू रेशियो है, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द एसेट्स डिवाइडेड बाय रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ ऑल द एसेट्स। वो क्या बोलते हैं कि अगर आपने एसेट्स को रिप्लेस करना है तो उस रिप्लेस जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है उसको कवर करने के लिए डू यू हैव द इनफ मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स, क्लियर। सो अगर क्यू रेशियो को हमने कैलकुलेट करना हो, सो इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स, मार्केट वैल्यू ऑफ All assets divided by what?
replacement cost of all assets. Cost of all assets. Right? तो ये रेशियो क्या बताती है कि डू यू हैव इनफ मार्केट वैल्यू, डू यू हैव इनफ मार्केट वैल्यू ऑफ योर एसेट्स सो दैट यू आर एबल टू cover your replacement cost of these assets. ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये जो 200,000 की replacement cost है, क्या इसको cover करने के लिए, इसको छुपाने के लिए, इसको cover करने के लिए हमारे पास मार्केट वैल्यू है उस एसेट की इनफ. अगर यहाँ मार्केट वैल्यू 350,000 है तो बिल्कुल ठीक है जी, 150,000 का फायदा ही है मुझे वो मशीन करने का. ठीक है, क्लियर है. सो दिस इज द क्यू रेशियो, दैट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल एसेट डिवाइडेड बाय रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स. राइट, सो विद दिस ऑल द रेशियोज हैव बीन कंप्लीटेड. हमने सारी की सारी रेशियोज कवर कर ली हैं, सारी रेशियोज, कोई नहीं छोड़ी हमने. ठीक है, हर तरह की, हर टॉपिक की, हर रेशियो हमने कवर कर लिए. राइट, अब हमारे पास फिर रेशियो एनालिसिस में क्या बचता है सर? अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस. राइट, क्योंकि प्रैक्टिकल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने प्रैक्टिकल पार्ट कवर नहीं किया. राइट, एग्जाम में तो प्रैक्टिकल पार्ट आएगा आएगा सर, डेफिनेटली आएगा, हम कैसे छोड़ सकते हैं उसको. तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में विल डू सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, एक या दो लेक्चर लगाएंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर. Then we'll wind up this ratio analysis. Okay. So if you have any queries, you can send me an email at ksjteaching@gmail.com. Right. So you can visit the website also for all the study material. Cost accounting study material is definitely going to help you. I'm telling you, financial management is in progress. Cost accounting material is complete and it is going to help you. Right, so you can connect with me on the Telegram app also. For the latest updates, you can connect with me on the Telegram app also. Link I'll be providing in video description. So that's all for this lecture, friends. Thank you so much.